हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है, इसमें आप लोग एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए, प्लस इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं और इसमें जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों कॉलेजेस में, और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कहां पर जॉब कर सकते हैं, प्लस बात करेंगे पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे होते हैं और इसमें आप लोग एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियोस पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए वो होनी चाहिए 10th क्लास पास, यानी कि अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर यहां पर आप क्लास 12th पास हैं तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि 12th क्लास के बाद आप फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं और सेकंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में, यानी कि लेटरल एंट्री में। मगर यहाँ पे शर्त ये होती है कि अगर आप 12th क्लास पास करके लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। वो 4 एग्जाम कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो अब शायद अपडेट होकर फाउंडेशनल कम्युनिकेशन हो गया है, दूसरा होता है मैथ, और थर्ड होता है आपका फिजिक्स, और फोर्थ होता है केमिस्ट्री। यानी ये 4 एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ेंगे अगर आप 12th क्लास के बाद लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं। मगर अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर क्लियर करना है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं। जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड्स होती हैं वो होती हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, आर्किटेक्चर, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब पॉलिटेक्निक की मोस्ट पॉपुलर ट्रेड्स हैं, और बहुत सी अदर्स भी होती हैं जैसे कि LFT हो गई, लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक से होता है डिप्लोमा, ये बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं पॉलिटेक्निक में। अगर आप 10th क्लास के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांच में ले सकते हैं, मगर आपको यहां पर ये बात ध्यान रखनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसी में एडमिशन लें, यानी कि अगर आप मैकेनिकल में चाहते हैं तो मैकेनिकल में ही लें, इलेक्ट्रिकल सिविल वगैरह में ना लें, क्योंकि अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है उसी में लेने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। अब बात आती है पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है। तो देखिए, जो पॉलिटेक्निक कोर्स होता है वो 3 साल का होता है अगर आप यहाँ पे 10th क्लास के बाद एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 साल डिप्लोमा के क्लियर करने पड़ेंगे। मगर अगर आप यहाँ पे 12th क्लास के बाद लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा कोर्स सिर्फ 2 साल का पड़ेगा, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास के बाद आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं 12th क्लास के बाद, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के 4 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यूपी के स्टूडेंट्स की, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये रूल है, अगर आप 12th क्लास के बाद लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के 4 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। अदर स्टेट में शायद ऐसा ना हो, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि अदर स्टेट में ये रूल है या नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा बेस्ट होते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज, और दोनों की फीस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो यहां पर यूपी में एक टेस्ट होता है यूपी पॉलिटेक्निक का, अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं, अगर आप वहां पर अच्छी रैंक बना लेते हैं तो आपको मन चाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यूपी में। मगर आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते टेस्ट तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और बात आती है अगर फीस की, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, तो 10 से 15 हजार के समथिंग होती है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, ठीक है, पर ईयर की मैं बता रहा हूं। उसके बाद बात आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट हैं या नहीं। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट होते हैं क्योंकि यहां पे फीस भी कम होती है और कॉलेजेस के मुकाबले, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले, ठीक है। और रही बात यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाती है, अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में एक से एक अच्छी मशीन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल जाएगी, मगर प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले इतनी महंगी मशीन नहीं ला सकते, मगर गवर्नमेंट कॉलेज वाले एक से एक अच्छी मशीन, एक से एक महंगी मशीन उनकी लैब में मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब बात आती है प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 10th क्लास के बाद या फिर 12th क्लास के बाद, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है। और जो इसकी फीस होती है, मैं बता रहा हूं आपको प्राइवेट कॉलेज की, UPBT की, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, जो प्राइवेट कॉलेज में फीस होती है ऑन पेपर 28,000 रुपए होती है, मगर कॉलेज वाले 30,000, 35,000, 40,000 तक फीस ले लेते हैं, और बहुत से कॉलेज वाले 28,000 में भी एडमिशन देते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे लैब इतनी अच्छी नहीं होती प्राइवेट कॉलेज में, सभी कॉलेजेस में लैब अच्छी नहीं होती, बहुत से कॉलेजेस में अच्छी लैब्स भी मिल जाती हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। अब बात आती है कि पॉलिटेक्निक करने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पॉलिटेक्निक अगर आप कर रहे हैं तो सबसे जो मेन फायदा होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलती है, थ्योरी नॉलेज इतनी नहीं मिलती, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में आपको इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी आपको पॉलिटेक्निक में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा एडवांटेज है, दूसरा फायदा है, वो ये है कि आप 10th क्लास के बाद 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप एक इजीली जॉब पा सकते हैं JEE की, यानी कि जूनियर इंजीनियर की, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट, आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं गवर्नमेंट का, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद। दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर आप पॉलिटेक्निक क्लियर कर लेते हैं 3 साल का, तो उसके बाद आप बीटेक में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री में, यानी कि फिर आपका 4 साल का बीटेक सिर्फ 3 साल का रहेगा। यानी कि अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं और उसके बाद आप AKTU या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। मगर आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप 3 साल का डिप्लोमा के बाद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पे आपको सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलने का, आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। यह बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मगर अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हैं, तो आप को सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे पॉलिटेक्निक के फायदे। मगर आपको एक बात और बता दूं, पॉलिटेक्निक जो है डिग्री कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स है। डिग्री के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा, तभी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल पाएगी, क्योंकि डिप्लोमा ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट नहीं है। डिप्लोमा जो होता है 12th क्लास के इक्विवेलेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहां जाके वहां पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए कि पॉलिटेक्निक के बाद आप कितना कमा सकते हैं, यानी कि आपकी कितनी सैलरी होगी, तो मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिए कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नहीं, और किसी नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।